जबकि पंजाब असेंबली में 2019 की पहली करारदाद जमा करवा दी गई है। जिन शहरों में शेल्टर होम बनाए गए वहां पर भीख मांगने पर पाबंदी लगाने और कानून साजी का मुतालबा कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। इखलाक बताइएगा, मजीद क्या कहा गया है करारदाद में? मसरत जमशेद चीमा की जानिब से जमा करवाए गए, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में प्रोफेशनल भीख मांगने वालों के ग्रोह मुनज़्ज़म तरीके से अपना कारोबार चला रहे हैं। सड़कों, चौराहों, बाजारों और घरों में जाकर भीख मांगने वालों की बेहतात है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस है। खातून अव्वल की ख्वाहिश पर मुल्क भर में बेघरों, गरीबों और नादार अफराद के लिए मुख्तलिफ मकामात पर शेल्टर होम तैयार किया जा रहे हैं। इनका कहना है कि जिन अफराद के पास जिंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलियात नहीं, उनको खिदमत जो है वो फलाही हुकूमत के तरजीह होती है। इन शेल्टर होम्स में सोने के लिए बिस्तर, पेट भरने के लिए खुराक मुहैया की जा रही है और किसी जगह आने जाने के लिए सवारी का भी सहूलियात मुहैया की गई है। इन तमाम बुनियादी सहूलियात की मौजूदगी में इन बड़े शहरों में जहाँ शेल्टर होम्स कायम किए गए हैं, वहाँ भीख मांगने पर मुकम्मल पाबंदी इंतहाई जरूरी है। करारदाद में वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के जिन शहरों में शेल्टर होम बनाए गए हैं, उन शहरों में भीख मांगने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए और इस हवाले से कानून साजी भी की जाए। ठीक है।